खटमल और बेचारी जो एक राजा के शयन कक्ष में मंदवसर पिनी नामक जो ने अपना डेरा डाला हुआ था, वह राजा की शैया की सफेद चादरों के बीच छुपकर रहा करती थी। राजा जब रात को सो जाता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का रक्त पीकर वापस चादरों के बीच छुप जाती। राजा को अपनी शैया पर जू के होने का आभास नहीं था। इस तरह जू के दिन आराम से कट रहे थे। एक दिन कहीं से अग्निमुख नामक खटमल उस शयन कक्ष में घुस आया। उस पर दृष्टि पड़ते ही जू ने उससे भगाने का प्रयास किया। वह उसके कारण किसी विपत्ति में नहीं पड़ना चाहती थी, किन्तु खटमल कहाँ आसानी से मानने वाला था। वह मधुर वाणी में जू से बोला, मंदवसर पिनी बहन, कोई अपने शत्रु का भी इस तरह अपमान नहीं करता। जिस तरह तुम मेरा कर रही हो, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, पहली बार तुम्हारे डेरे में आया हूँ। एक रात को मुझे यहाँ रहने दो। तुम तो रोज यहाँ के राजा के मीठे रक्त का पान करती हो, आज मुझे भी इसका थोड़ा स्वाद ले लेने दो। जो खटमल की चिकनी चुटुली बातों में आ गई, उसने उसे वहाँ रात भर रहने की अनुमति दे दी, किन्तु साथ ही उसे आगाह करते हुए बोली, अग्निमुख, तुम यहाँ रह तो रहे हो, किन्तु अपने चंचल स्वभाव पर तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। राजा की जब गहरी नींद पड़ जाए तब मेरे रक्तपान करने के उपरांत ही तुम राजा का रक्त पीना, और ध्यान रखना कि रक्तपान करते समय राजा को कोई पीना ना हो, अन्यथा हम दोनों मारे जाएंगे। खटमल ने जू को वचन दिया कि जब तक वह राजा का रक्तपान नहीं करती, वो भी नहीं करेगा और किसी भी तरह से राजा को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त ही हुआ था कि राजा शयन कक्ष में आ गया और दीपक बुझाकर चादर तानकर सो गया। इधर जो राजा की नींद और गहरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी, उधर खटमल की जेब लोभ से तर हुई जा रही थी। राजा के मीठे रक्त के लोभ में वह अपना वचन भंग कर बैठा और जो के पहले जाकर राजा पर अपने पहने दांत कड़ा दिए। अचानक हुई पीड़ा से राजा तड़प कर उठ बैठा। उसने संतरियों को बुलाया और कहा, इस शया में अवश्य जू या खटमल है, तत्काल दीपक जलाकर उन्हें खोजो और मार दो। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तह खंगालनी प्रारंभ की। जो हमेशा की तरह चादर की तहों में छुपी बैठी थी। खटमल राजा को काटकर पलंग के पायों के जोड़ में जा छुपा था। संतरियों की दृष्टि जू पर पड़ गई, उन्होंने उसे पकड़कर मसल दिया। इस तरह खटमल की बातों पर विश्वास कर जू मारी गयी। सीख, आज्ञा हत्या विरोधी स्वभाव के व्यक्ति के चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर विश्वास करना हानिकर है। उनसे सदैव सावधान रहना चाहिए।